में जांच के दौरान एक चौंका देने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ है, न केवल उस बस का फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर था, बल्कि जीएल पब्लिक स्कूल की 11 बसें ऐसी सामने आई है जिनका फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर है। यानी हर रोज इस स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चे इस मौत वाली बस में सफर करते थे, जिससे उनके माता पिता भी अनजान थे। दो बस ऐसी भी मिली है जिनकी फिटनेस जांच 2009 और दूसरी की 2011 के बाद कराई ही नहीं थी। कई बस ऐसी भी हैं जिनकी फिटनेस जांच 2018 से हुई नहीं। यानी स्कूल मैनेजमेंट, जिला प्रशासन और सरकार की आंखों में धूल झोंक कर बिना फिटनेस करवाए बसों को सड़कों पर दौड़ा रहा था। बताया जा रहा है कि जीएल पब्लिक स्कूल के पास करीब 20 बसें हैं। इनमें से 12 बसें ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड मिल ही नहीं पाया, जिनमें 11 बसों का फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है। कई बसों का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने स्कूल की 3 बसों समेत 4 वाहनों को इम्पाउंड कर लिया है। इस हादसे के बाद प्रशासन और सरकार की नींद टूटी है। प्रदेश भर के स्कूल वाहनों की जांच की तो बसों में कई खामियां पाई गई हैं, जिसमें फर्स्ट एड किट एक्सपायर होना या बसों में किट ही ना होना, सीसीटीवी कैमरे खराब होना, ड्राइवरों की वर्दी पर नेम प्लेट ना होना, ड्राइवरों का सीट बेल्ट ना लगाना, बच्चे बोनेट पर बैठ कर सफर करते भी मिले हैं। ये वो खामियां हैं जिनकी जांच पहले हो जाती तो आज हादसे का शिकार हुए 6 बच्चे हमारे बीच होते। बता दें कि स्कूल बस दुर्घटना मामले में गिरफ्तार चालक धर्मेंद्र, प्रिंसिपल दीप्ति और स्कूल सचिव होशियार सिंह को कनीना कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि स्कूल चेयरमैन पुलिस गिरफ्त से बाहर है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपियों का केस लड़ने से सभी वकीलों ने मना कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।